अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉस इट अप। आज बनाते हैं वेगन मोहितोस। 6 डिफरेंट टाइप के मोहितोस बनाएंगे जो एब्सोल्युटली अल्कोहल फ्री होगा विद अ बेस ऑफ लाइम, मिंट, शुगर एंड आइस क्यूब्स। बिल्कुल नॉर्मल सा बेस बनेगा और इसमें अलग अलग फ्लेवर्स डालेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल आप ग्लास ब्रिम्स को एक लाइम वेज ले लें, उसके ऊपर लगा दें और फिर उसे शुगर इसके साथ कोट कर दें अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से बनकर वो आ जाएगा। आप बनाना चाहें तो करें, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मिंट है, फ्रेश मिंट लीव्स हैं, इसे अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसे तोड़ कर डाल लें। आप इसे अपने अकॉर्डिंग डालें। बहुत से लोग मिंट कम पसंद करते हैं, बहुत से ज़्यादा। हालांकि ये बहुत रिफ्रेशिंग होती है, थोड़ी ज़्यादा भी रहेगी तो टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास है लाइम जूस। लाइम जूस भी आप अपने हिसाब से डालें। इस पर कुछ भी रेशियो नहीं होता किसी चीज़ का कि किसको कितना डालना है। आपको हर चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। तो 3 से 4 चम्मच डालने ये बहुत होता है उतना। अब इसमें डालेंगे लेमन वेजेस। इसके वेजेस काट के रखे थे। 2 से 3 वेजेस इसमें डाल दें, या जिस तरीके से आप पसंद करते हो उतना डाल लें। अगेन आपके ऊपर है, आप इसमें शुगर डालना चाहते हैं, पाउडर्ड शुगर डालना चाहते हैं, हनी डालना चाहते हैं, या फिर कोई भी अनस्वीटेंड पाउडर डालना चाहते हैं। तो ये मेरे पास स्टीवियाना का पाउडर है, वो यूज़ कर रहे हैं। आप शुगर भी डाल सकते हैं इसमें। और ये है रूहअफ़ज़ा। रूहअफ़ज़ा की जगह आप इसमें रोज़ सिरप्स आते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो ये रूहअफ़ज़ा को 2 चम्मच डालते हैं इसमें, 2 छोटे चम्मच। ये क्रश्ड आइस है मेरे पास, जो हमारे नॉर्मल आइस क्यूब्स होते हैं उसे मिक्सी में डालकर 2 से 3 पल्सेस दिए थे और इसके अच्छे से ये बन गए हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग डाल लें, जितना आप डालना चाहते हो, जितना ठंडा आप इसे रखना चाहते हो। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक का आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप कार्बोनेटेड, प्लेन कार्बोनेटेड वाटर्स जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे पास सोडा वाटर। तो आप किसी भी कंपनी का सोडा वाटर ले लें और उसे डाल लें इसमें। इन सारी चीज़ों का रेशियो बिल्कुल आपको अपने हिसाब से रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे डालें, क्योंकि ये एकदम से ऊपर आने लग जाता है। तो एक बार इसे डालें और थोड़ा सा करके मिक्स करते रहें और फिर उसके बाद आगे डालें। जब ये पूरे ब्रिम तक आ जाए इसका, तो ऊपर से थोड़ा सा इसमें डाल देंगे वापस से रूहअफ़ज़ा या रोज़ सिरप, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और डेकोरेट करेंगे इसे मिंट लीव और लेमन वेज से। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बनाते हैं प्लम मोहितोस। तो आप प्लम चाहे तो एक कलर का ले लें या 2 कलर के ले लें। तो इन 2 अलग कलर के पर्पल और येलो प्लम को लेकर इसकी प्योरी बना ली है। बस सिंपली इसे आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है और प्योरी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसे सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। पहले आप इसकी वेजेस को शुगर कोट कर लें अगर चाहें तो, फिर इसमें डालें मिंट लीव्स, थोड़ा सा क्रश करके डालें, फिर डालें लाइम जूस और लेमन वेज, फिर थोड़े से आइस जो हमने क्रश करके रखे हुए थे वो, और उसके बाद जो हमने ये प्योरी बना रखी है दोनों अलग कलर की, उसे एक एक करके डालें। तो पहले कोई भी कलर डाल लें। तो डालते हैं पहले येलो प्योरी और उसके बाद डालेंगे पर्पल प्योरी। तो इसे डालकर इसके ऊपर डालेंगे स्वीटनर। स्वीटनर आप अपने हिसाब से डालें। कभी कभी फल थोड़े खट्टे होते हैं, तो एक बार आप उसे देख लें, उस हिसाब से स्वीटनर डालें। आप इसकी जगह हनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक को डालकर एक बार इसे हल्का सा मिक्स कर लें, वापस से इसे फुल करें और फिर इसके बाद डालेंगे इसमें सोडा वाटर। थोड़ा थोड़ा करके सोडा वाटर डालें। ये एकदम से ऊपर आता है और पर बिल्कुल गिर जाएगा। अगर आप सोडा वाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक से भी इसे बना सकते हैं। अब इसे लेमन वेज और मिंट लीफ से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं थर्ड टाइप। ये हमारा रहेगा ऑरेंज मोहितो। 2 ऑरेंज को लेकर इसकी प्योरी बना ली थी और एक ऑरेंज का चंक्स काट लिए। तो इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ ऑरेंज प्योरी किससे भी बना सकते हैं या सिर्फ ऑरेंज जूस से भी बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा जो हमने बाकी दोनों में बना रखा है। बेस सब में बिल्कुल सेम होगा, उसके अलावा आप टेस्ट के लिए जो भी डालना चाहें। तो देखें, ये डालते हैं ऑरेंज प्योरी और ऑरेंज प्योरी के साथ इसमें डालेंगे थोड़े से ऑरेंज चंक्स। अगर आप चंक्स नहीं पसंद करते हैं तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल ½ टी स्पून या उससे भी थोड़ा कम, और फिर डालेंगे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसे भी लेमन वेज और मिंट लीव्स से डेकोरेट करके सर्व करेंगे। तो फलों को प्योरे करने के बाद एक बार उसे टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि फल अक्सर बहुत खट्टे होते हैं तो उसमें पता नहीं होता है कि कितना स्वीटनर डालना पड़ेगा या कम डालना पड़े, ज़्यादा डालना पड़े। तो आप एक बार उसे टेस्ट कर लें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना स्वीटनर यूज़ करना है। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा भी अपने अकॉर्डिंग डालें और फिर इसे सर्व करें, और ये चिल्ड बहुत टेस्टी लगता है। अब आइए बनाते हैं 4th टाइप। ये है हमारा प्लेन लेमन मिंट मोहितो। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे लेमन और थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे लेमन वेजेस भी, क्योंकि ये प्लेन इसी में बन रहा है। बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। इसमें डालेंगे क्रश्ड आइस, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लेमन जूस और फिर इसमें डालेंगे सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। एक टेस्ट इन्हांसर का काम करता है ये। अब डालेंगे इसमें सोडा वाटर और फिर इसे भी गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मोहितो होता है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। तो आइए अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट मोहितो, जो होगा कीवी लाइम मोहितो। तो कीवी इसको लेकर इसे पील कर लिया था, इसे काट कर इसकी भी प्योरी बना ली है। सिंपली मिक्सी में इसे डालकर पीसा और इसकी प्योरी बनाकर निकाल ली है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, अपने ब्रिम्स को थोड़ा सा शुगर कोट करेंगे, इसमें डालेंगे मिंट लीव्स, इसमें डालेंगे लाइम जूस और फिर लेमन वेजेस डालेंगे, फिर डालेंगे इसमें स्वीटनर और फिर डाल देंगे इसमें हमारे जो कीवी की प्योरी है वो। क्रश्ड आइस या आइस क्यूब्स जो भी है आपके पास वो डाल लें। अगेन स्वीटनर की जगह आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं या जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। स्वीटनर के बाद जाएगा इसमें सॉफ्ट ड्रिंक। अगेन सॉफ्ट ड्रिंक को डालकर आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर इसमें डालेंगे सोडा वाटर। सोडा वाटर को भी डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स करें, इसमें और प्योरी डाल लें थोड़ी सी, कलर टेस्ट हर चीज़ के लिए। अगर आप चाहें तो, अगर आप कम चाहते हैं तो कम डाल के बनाएं, और फिर इसे गार्निश करेंगे मिंट लीव्स और लेमन वेजेस से। तो नेक्स्ट बनाना शुरू करते हैं। ये रहेगा हमारा मैंगो मोहितो। इसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेरे पास फ्रोज़न मैंगोज़ थे, उसे पीस लिया है, उसके प्योरी बना ली है। बाकी सारा प्रोसेस जो बेस बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो पहले बना रखा था। ब्रिम्स को करेंगे शुगर कोट्स, में डालेंगे मिंट लीव्स, उसमें डालेंगे क्रश्ड आइस, लेमन वेजेस, स्वीटनर और फिर उसमें डाल देंगे मैंगो की प्योरी, या मैंगो जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे सोडा वाटर। आप इसमें लेमन जूस थोड़ा कम डालिएगा, इसमें लेमन जूस थोड़ा कम पड़ता है, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। वापस से इसे डेकोरेट करेंगे लेमन वेजेस से और मिंट लीव से और सर्व करेंगे। तो ये देखें बन के तैयार है हमारे 6 अलग तरीके के, 6 अलग फ्लेवर्स के मोहितोस, जो सारे के सारे बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो बनाई जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, जो आपकी फैमिली का पर्सनल फेवरेट हो। तो इस समर्स में इन ड्रिंक्स को एक ट्राई ज़रूर दें, बनाएं, और अपने सजेशंस को, अपने कमेंट्स को रिगार्डिंग द रेसिपी, जो भी आपकी क्वेरी हो इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। फ्रूट्स आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आप प्लेन एक फ्रूट का बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय फॉर नाउ।